सरोकार। मनेंद्रगढ़ में शिक्षक संघ ने निकाली पदोन्नति, न्याय पद यात्रा, कई शिक्षक हुए यात्रा में शामिल। बेमेतरा में अधिकारियों की दिखी बड़ी लापरवाही, गंदे पानी से भरी नालियां। भिलाई में महादेव ऐप के ऑपरेटरों पर कसा सिकंजा, ऐप के सहारे चल रहा था सट्टेबाजी का कारोबार। भिलाई में पुलिस का खौफनाक चेहरा आया सामने, प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन से कट कर दी जान। मुंगेली में जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं, आवेदकों ने सौंपे अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। मनेंद्रगढ़ से कोरिया मुख्यालय बैकुंठपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक 50 किलोमीटर की पदोन्नति न्याय पद यात्रा निकाली गई। बता दी कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 97% पदोन्नति प्रक्रिया चालू होने के बावजूद भी कोरिया और मनेंद्रगढ़ में पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं चालू हो सकी। तो वहीं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी पर सेवा पुस्तिका में कार्य के प्रति लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही 2 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने पिछले वर्ष कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव लाया था कि जिन पंचायत शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुका है और जिनकी संविलियन के पश्चात 3 वर्ष की अवधि हो चुकी है, उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए अगले स्टेप की पदोन्नति दी जाएगी। आज मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 97% जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, परंतु कोरिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा इतनी सुस्ती बरती गई कि आज कहीं ना कहीं हम पूरे छत्तीसगढ़ में उस पदोन्नति के मामले में सबसे कनिष्ठ हो चुके हैं। और इसका जो नुकसान है और आर्थिक नुकसान है, ये हम इसकी परिकल्पना आपको बता पाने में संभव नहीं है। एक और सरकार स्वच्छता को लेकर गांव-गांव जन जागरूकता लाने और प्रचार प्रसार में लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। खबर बेमेतरा के ग्राम कठिया का है, जहां गलियों का रोड तो बनाई गई लेकिन नाली निर्माण कराना जिम्मेदार अधिकारी भूल गए। जहाँ घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों में बह रहा है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। द्रुपति कठिया। कैसे टाइप से समस्या होते? ये पानी नाली से तो का हो गए है, गंदगी है, रेंगत नहीं बना। कितने दिन से है भाई? इसने बहुत दिन से मतलब सुधारे पर बोले हो? हाँ। कौन ला बोले हो? सब सरपंच बन थे तेन मतलब बोल था। तो सुधरी इसकी नहीं सुधरी? कहाँ सुधरी। भारती साहू कठिया, बहुत समस्या होते है, बरसात में तो पूरा यहाँ वहाँ भर जाते। अभी का चीज के पानी रुके हुए है? अभी ये जो सबके घर के निकला थे, सरपंच घर के पूरा धोते मानसे थे, मन हाँ गरबा गाय के गोबर कचरा के पूरा एमएल जमा हो जाते। दिन रात मच्छर ओकर कमीनी है मच्छर के। लड़का लोग दिन रात में खेलत रही थे, एक दिन तो वो जाग रही समर छोटू। शक्ति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की बढ़ती दरों और सुरक्षा नीति के नाम पर पैसा वसूली कर रहा है। बता दें कि अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिल को सुलझाने के लिए आम नागरिक बिजली विभाग के चक्कर काटते रहते हैं और किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। तो वहीं अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय से किसी न किसी बहाने से वापस भेज देते हैं, जिससे आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर भटकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल लेके कुछ कस्में खाई थी, 36 वादे किए थे, जिसमें बिजली बिल हाफ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके प्रभाव में आके
गांव ने कांग्रेस सरकार पर विश्वास करके उन्होंने अपना बहुमूल्य मत दिया था, वोट दिया था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि बिजली बिल हाफ होने की जगह बिजली सप्लाई हाफ हो गया है। मैं रितेश साहू मंडल की भाजपा युवा मोर्चा से। इस विषय को लेकर आज आपने विद्युत विभाग को क्या प्रश्न था? छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने हितग्राहियों को अधिक सुरक्षा निधि के नाम पे 2,400 रुपये अधिक बिजली बिल भुगतान करने के लिए विवश कर रही है, जिससे हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हर मंडल स्तर पर हमने इसका विरोध जताया, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन सौंपा। मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव ने जनदर्शन कक्ष में जिले में के आमजनों की समस्याओं और मांग को सुना और आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं के लिए निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप जिले के आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कलेक्टोरेट में शासकीय अवकाश को छोड़कर हर दिन जन दर्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचते हैं। कोरबा की हरदी बाजार पुलिस ने शराब की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने झाड़ियों में शराब छुपा रखी थी, जहां से पुलिस ने 61 लीटर शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले में पुलिस की छवि खराब होती दिख रही है। आए दिन पुलिस के ऊपर आरोप लगते जाते हैं। वहीं अब बिलह थाने के आरक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने जंग छेड़ दी है। जिले के बिलह क्षेत्र के भैंसबोड़ गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि बिलह थाने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर उनके बड़े बेटे ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। मृतक हरीश गेंदले के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बिलह पुलिस ने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत ली। खेस से आए मोर आदमी बताई से मोला कि ये लग घर से मारत लाए, चार आदमी देखे भी कौन लेके आया चंद्रा से, ओकर बाद यहाँ थाना में भी ला के मारे। तो मोर महिला वाला लड़का बोली जा तो बड़े भाई लेके आवे, तो महिला वाला बड़े वाला लड़का लेके ऐसे तो बड़े वाला भी रूम में अंदर बंद करके मारे। क्या हुआ? अरे लाख बोला मार दी दादा। किस लिए मारे, क्या हुआ था? मेरे बेटा कहाँ गया, पकड़ के लाओ, तू चलो यहाँ ला कर मार दिया, उधर से मार दिया, इसको फिर लाया, इसको मार। कौन मारा? चंद्र पुलिस, और अंदर लेकर लड़के को मार दिया और कैमरा नहीं दिखा रहा। तो आप लोग क्या चाहते हो? अभी चक्कर जाम किए हो तो क्या चाहते हैं? उसको सस्पेंड करो, बर्खास्त। पूरी घटना बताएंगे क्या क्या हुआ था, थोड़ा घटना का जानकारी आप बताइए। बिला थाना निवासी हरिश्चंद गेंदले ने रेल पटरी में आत्महत्या कर ली है। उनके परिवारजन का आरोप है कि पुलिस थाने में करो से बुलाया गया था और वहाँ प्रताड़ना के कारण वो दुखी होकर आत्महत्या कर लिया। सर यहाँ किसी चंद्रा का नाम आ रहा है? हाँ, उसने पुलिस स्टाफ का नाम उसके परिवारजन बता रहे हैं, तो उसी में भी जाँच किया जा रहा है। 20,000 रुपये लेने के नाम पे बोल रहे हैं अभी वो प्रारंभिक जांच के स्तर पे है। भिलाई दुर्ग से संचालित होने वाले सट्टे से जुड़े हुए महादेव ऐप, जिसकी कड़ियां देश के अलग अलग शहरों और दुबई से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो वहीं ऐप के माध्यम से चलाए जाने वाले सट्टे के ठिकानों पर हर दिन रेड मारकर इस अवैध व्यापार में संलिप्त आरोपियों को धरपकड़ की जा रही है। पुलिस के बढ़ते दबाव और लगातार छापों के चलते महादेव ऐप से जुड़े एक आरोपी सतनाम सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये अभी स्मृति नगर थाने का मामला है और दुर्ग पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है महादेव ऐप के खिलाफ, और उसी तारतम्य में इनके भी जो जहाँ जहाँ के ठिकाने थे छुपने के और जहाँ इनका सतनाम का नब्बा जो पैनल चल रहा था वहाँ भी पुलिस ने रेड मारा।
जिसको लोग पकड़ाए थे उस पर से काफ़ी दबाव था और पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी और उसी से थक हार कर इसने आज सिद्धनगर चौकी में अपने आप को सरेंडर किया, जो कि पूर्व के मामलों में इसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस संगत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।